नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति शास्त्र अध्याय 4 अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया। छात्रों, भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों की पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम भारत और पाकिस्तान के शिमला समझौते के बारे में तथा आगे के संबंधों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। छात्रों, शिमला समझौते के समय दोनों देशों में प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी रखी गई। दोनों पक्ष अपने पारस्परिक झगड़ों का द्विपक्षीय बातचीत द्वारा तथा मान्य शांतिपूर्ण ढंग से हल कर सकने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। दूसरा, सैनिक राष्ट्र एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सार्वभौमिक समानता का सम्मान करेंगे। थर्ड, दोनों राष्ट्र एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्रमांक 4, दोनों देशों द्वारा परस्पर विरोधी प्रचार नहीं करेंगे, अर्थात एक दूसरे के विरोध में कोई दुष्प्रचार दोनों देश नहीं करेंगे। क्रमांक 5, दोनों देश परस्पर सामान्य संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्न करेंगे। छात्रों, भारत हर बार अपनी बात पर अड़िग रहता है, पाकिस्तान को सभी अपना दुर्विरोधी पाकिस्तान को भारत कभी अपना दुर्विरोधी नहीं मानता। इन सब तथ्यों का पाकिस्तान की जनता में भारत का समर्थन चाहती है और अपना विकास करना चाहती है। बस दो कारणों से ही इन सबसे बड़ी बाधा बनती है। छात्रों, इसकी तीन बड़े मुख्य कारण हैं। एक, पाक सेना, क्योंकि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन कम रहा है, सैन्य शासन अधिक रहा है, इसलिए वह अधिक वहाँ की सैन्य शक्ति चाहती है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार नहीं बननी चाहिए, इसलिए वो भारत का पूर्व विरोध करती है। दूसरे, वहाँ के धार्मिक कट्टरवाद, मुल्ला तथा बड़े भूस्वामी दोनों देशों को एक साथ मिलने में बाधा बनते हैं। थर्ड, कुछ ऐसी प्रमुख विश्व की शक्तियाँ जो अपने सैन्य ठिकाने वहाँ स्थापित करना चाहती है तथा पाकिस्तान को पैसे और हथियारों का लोभ देकर अपने पक्ष में लेकर वह अपना उल्लू सीधा करने के लिए और भारत की आर्थिक व्यवस्था में रुकावट डालने के लिए दोनों को एक नहीं होना देना चाहती। अमेरिका और पाकिस्तान जैसे उसमें प्रमुख देश हैं। परंतु भारत आज इन सभी समस्याओं से निरंतर उभरता हुआ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब तक भारत की ओर से ऐसे अनेक प्रयास किए गए
जिनसे सद्भावना बनाने का पूरा मौका पाकिस्तान को दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तो बस में बैठकर पाकिस्तान और भारत में बस यात्रा बस सेवा प्रारंभ कराने के लिए स्वयं वहाँ गए, और जब मैं पाकिस्तान से वापस आए तो उसके कुछ दिनों के बाद ही पाकिस्तान ने कारगिल के रूप में भारत को एक इनाम दिया। छात्रों, भारत में सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन तथा कुछ बसों का निरंतर आवागमन रहता है, और भारत की बहुत सारी वस्तुएं जो पाकिस्तान में नहीं है और पाकिस्तान की जनता के लिए उपयोगी है, यहाँ से आयात निर्यात की जाती है। यहाँ तक कि दोनों की संस्कृति को भी भारत बढ़ावा देता है, परंतु इस सब के बावजूद जो तीन कारण मैंने ऊपर आपको बताए कि भारत की पाक सेना, वहाँ के बड़े गोस्वामी, वहाँ के कट्टर मुल्ला और विश्व के कुछ देश पाकिस्तान को आराम से बैठने नहीं देना चाहते, हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे समझौते हुए, उसके बाद भी पाकिस्तान भारत में अनेक आतंकवादियों को भेजकर यहाँ की शांति को भंग करता रहता है। ऐसा अभी पुलवामा में भारत के 40 सैनिक मारे गए, अभी अभी इस मई के माह में ही उसने दोबारा फिर आतंकवादी भेजे और हमारे भारत के कई सैनिक उसमें मारे, सैनिक अधिकारी मारे गए हैं। अनेकों बार वह सीज फायर करने उल्लंघन करता है और वह अपनी हरकत से बाज नहीं आता। परंतु अब अमेरिका दोनों देशों के बीच में आकर के कुछ समझौते कराने पर पाकिस्तान को बाध्य कर रहा है आगे आने वाले समय में। इसका क्या प्रभाव होगा, यह तो छात्र छात्रों अभी भविष्य की गर्त में है। हम सभी तो यही प्रार्थना करते हैं कि वहाँ के लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे, और दोनों देश यदि एक हो जाए तो ये दोनों विश्व शक्ति बन सकते हैं। धन्यवाद।